नमस्कार, मैं नरेश कौशल, दैनिक अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप की ओर से आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कानूनविद तो हैं ही और साथ ही एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा के, मिस्टर रविंदर ढवढुल। हम इनसे आज जानना चाहेंगे प्रशांत भूषण, जो एक विख्यात वकील हैं भारत के, जो जिनको के आज ही जो सज़ा सुनाई गई थी उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जुर्माना किया है कि वो एक रुपया जो जुर्माने के रूप में भरें या फिर 3 महीने की सज़ा भुगतें। तो इस तरह से आज की सज़ा के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति बनती है, कानूनविदों का क्या कहना है और क्या जो टेक्निकल लॉ पॉइंट क्या कहते हैं, इसको लेकर हम रविंदर ढल जी को अपने यहाँ पे उनको आमंत्रित किया है। ढल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे। ढल साहब, आप जैसे कि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज ही ये जो डिसीजन हुआ है, अभी इसके बारे में प्रशांत भूषण का क्या स्टैंड होता है, क्या वो एक रुपया भरते हैं या कि वो नहीं भरते हैं, ये अभी इसका पता लगेगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। लेकिन जैसा कि हम प्रशांत भूषण के व्यक्तित्व को जानते हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, अपने श्रोता भी जानते होंगे कि जब उनसे सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बार अपनी जो सिटिंग है उनको भी उन्होंने आगे डाला, सिर्फ इसलिए कि प्रशांत भूषण को समय दिया कि भाई आप इसके बारे में आप सोच लो और आप इसमें रिग्रेट कर लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। लेकिन जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा प्रतीत कम ही होता है कि वो एक रुपया की जो सज़ा है वो एक रुपया जमा करवा देंगे। इसका जहाँ तक हम कारण जानते हैं, कानूनी जितनी हमारी समझ है, कि एक रुपया भरने का मतलब हुआ कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप दोषी थे। हाँ, अगर आपको जेल जाना पड़ता है तो वो तो आपको, आपने नहीं जाना, वो तो आपको भेजा गया है, इसलिए वो अपना एक स्टैंड रखेंगे, शायद वो इसको कहीं, अगर ये कानूनी तौर पर अलाउ होता है, वो इसको आगे फुल बेंच या कहीं जाने की अगर संभावना है, ये ढुल साहब बताएंगे। तो ढुल साहब, आज जो ये फैसला हुआ है तो इसमें जैसे कि आप तो जानते हैं कि कम से कम 3000 जो बड़े कानूनविद थे, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 1800 मेंबर्स, उन्होंने भी मिलकर, और इतना ही नहीं, ऑपोजिशन के बहुत से लोगों ने ये कहा कि इनको छोड़ देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 ट्वीट का मामला है, हम दर्शकों को बीच बीच में बताते रहेंगे कि ये ट्वीट का मामला क्या था और वो क्या ट्वीट थे। तो लेकिन अब हम ढुल साहब से जानना चाहेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या वो स्टैंड ले सकते हैं। प्रशांत जी, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा कि हम प्रशांत जी की शख्सियत को जानते हैं, उनके पारिवारिक इतिहास शशि भूषण जी को जानते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि वो जल्दी से इसको एक्सेप्ट करना है, इसको जो है जी। जो सिंबॉलिक, एक मैं ये कहता हूँ कि जो आज ये कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन तो पहले हो गई थी, आज तो केवल सेंटेंस प्रोनाउंस की गई है, तो जो सजा प्रोनाउंस की गई है वो एक सिंबॉलिक है जी। और इसके पीछे भी एक इतिहास है कि कुछ लोगों ने लिख करके भी दिया था जो है माननीय चीफ जस्टिस को, कि इसके अंदर जो है बहुत बड़ा फाइन ना करके एक सिंबॉलिक एक रुपए का एक होना चाहिए इसके अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस प्रकार के पत्र भी लिखे गए थे कि एक रुपए का सिंबॉलिक आप इसके अंदर जो है सजा कर दीजिए। तो सिंबॉलिक सजा के साथ में इन्होंने राइडर ये लगा दिया कि यदि आप इसको नहीं भरते हैं तो 3 महीने की तो सजा होगी, कैद होगी, इसके अलावा 3 साल के लिए आप वकालत नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें आपको भुगतनी पड़ेंगी इनकेस यदि आप एक रुपया नहीं देते हैं तो। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। आपने अभी बोला कि बहुत से न्यायविदों ने या कानूनविदों ने ये कहा था कि सजा को, इसको लीनियट किया जाए, एक रुपए की सजा कर दी जाए, लेकिन एक कहावत होती है कि जो पुरस्कार है वो एक पैसे का हो चाहे वो 1 लाख का हो, वो पुरस्कार ही होता है। तो सजा के मामले में भी तो वही बात है कि सजा चाहे 10 करोड़ की हो चाहे 1 रुपए की हो, तो सजा याफ्ता तो वो हो गए ना। बिल्कुल। तो इसके बारे में वो कानूनविद ये कह रहे थे कि 1 रुपए की कर दो या वो कर दो, वो टेक्निकली तो वो सजा तो सजा हो गई ना, सजा रहेगी वो जी। बिल्कुल। लेकिन एक यदि अनबैलेंस्ड व्यू लें तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ये मानना होगा कि वो जो है जनता के अंदर, क्योंकि ये मामला काफी चर्चा में रहा है पूरे भारत के अंदर,
तो ये पूरे भारत के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का कोई संदेश नहीं देना चाहती थी कि भी आपके लिए जो है ना सजा का क्वांटम मायने रखता है, जी तो उसको एक सिंबॉलिक किया। ओके उसको पहले तो उनको ये कहा कि भी आप माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, बाद में जी उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी तो कन्विक्ट किया गया। कन्विक्शन के बाद में जो सजा हुई है वो भी सिंबॉलिक दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है ठीक कि हमें है इस बात से लेना देना नहीं है कि आपको कितना फाइन भरना है या कितनी बड़ी सजा देनी है, हमें इस बात से लेना देना है कि हमने आपको सजा दी है और वो एक सिंबॉलिक सजा दी है। कि यहाँ की मतलब एक जनता को भी संदेश जाए, एक बेंच के अंदर जो है बार के अंदर भी एक संदेश जाए, वकीलों को ये भी पता हो कि आपकी एक अपनी जो कॉन्शियस की जो है आपकी जो हदें हैं उन हदों का भी आपको पता हो। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये बताने के लिए ये सजा दी है, वरना इसके अलावा तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अपने दर्शकों को इसी बीच ये बताना जरूरी समझता हूँ ताकि वो अपडेट रहे कि ये केस एक्चुअल में शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि क्या था। प्रशांत भूषण का एक ट्वीट था जो 27 जून को हुआ और एक ट्वीट था जो 29 जून को। जो पहला ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा कि घोषित आपातकाल जैसे और बनाम सुप्रीम कोर्ट उसको जोड़ के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इसकी जो भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की वो विशेष करके भारत के अंतिम 4 जजों के बारे में भी उन्होंने जो है टिप्पणी जो ऐसी की जिस पे के कोर्ट को एतराज हुआ, उन्होंने कोर्ट ने उसका नोटिस लिया इस ट्वीट का। दूसरा जो ट्वीट था जो मैं 29 का मैं बता रहा हूँ वो मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े जो हैं उनके द्वारा जो है वो कोरोना वायरस काल जो चल रहा था उसके दौरान अपने गृह राज्य नागपुर में हैरले डेविडस्टन की एक सुपर बाइक को ट्राई करते हुए वो देखे गए थे मीडिया के अंदर। एक ट्वीट उनसे संबंधित था। उस पर उन्होंने ट्वीट में क्या कहा था हम बाद में बात करेंगे। मैं आपसे ढोल साहब ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे फैसले से आज के हालात में जब देश में बहुत सी ऐसी चर्चा है कि लोकतंत्र को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खतरा है, ओपोजिशन का आरोप कह सकते हैं आप, और जो ओपोजिशन अक्सर बहुत सी बातें ऐसी कह रही है, तो अगर ये सजा होती है तो समाज के जो लोग जो ऐसी बुराइयों को उठाने वाले लोग हैं तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि उनका नैतिक बल है उसका कुछ ना कुछ पतन होगा, उसमें गिरावट आएगी, उनको उनका हौसला गिरेगा ऐसी बातों से। देखिए, जहाँ तक बात इन दो ट्वीट्स की है, दो जी ट्वीट्स में जो एक महत्वपूर्ण जो ये पहला ट्वीट जैसे आपने एक जगह बताया कि हार्ले डेविडसन के ऊपर बैठे हुए जी जी मुख्य न्यायाधीश जी की एक फोटो जो है वहाँ पर वायरल हुई थी जी जी और पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर जो है अखबारों के अंदर भी वो आई थी, जी उसके बारे में उनका लिखा। तो वो तो चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कंटेम्पचुअस नहीं मानता हूँ। जी वो कंटेम्पचुअस मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जो वो काम किया गया था, जो भी उन्होंने काम किया था, वो जी अपने जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करते हुए नहीं किया था। वो एक निजी अपना उनकी अपनी सोच थी और एक निजी फंक्शन के अंदर, निजी उसके अंदर कार्यक्रम के अंदर वे एक निजी बाइक के ऊपर बैठे थे। वो जी भी उन्होंने कोई खरीदी नहीं थी, उन्होंने ये भी नहीं शो किया, प्रदर्शित नहीं किया कि मैंने ये ले ली है, ओके तो एक जनरलाइज ट्वीट उसको मानिए। लेकिन जो दूसरा है जिसके अंदर उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के को मतलब एक तरह से एक चैलेंज कर दिया था ये कह करके कि भी आप जो है आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो जो दूसरा ट्वीट था उसको मैं ज्यादा कंटेम्पचुअस मानूंगा ठीक है बजाय इसके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो यदि मैं देखूं सुप्रीम कोर्ट को तो काम तो कर ही रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं कर रहे। हालांकि उनकी फंक्शनिंग के ऊपर भी लगातार प्रश्न उठते रहे हैं, चाहे पीछे से आपको ध्यान में हो कि भी एक प्रश्न ये उठा था कि एक एडवोकेट साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि भी आप जब रजिस्ट्री में केसेस दर्ज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जी उसके अंदर भी आप ये देख करके करते हैं कि कौन अमीर वकील कौन है, राम वकील कौन है, जी ऐसा भी एक मामला आया था। जी क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि कुछ बहुत एक्सट्रीम अर्जेंट मामलों को जो है यदि मेंशन कर दिया जाए उसी दिन सुनवाई हो जाती है, तो ऐसे भी मामले हैं जिनकी कई कई साल तक सुनवाई नहीं होती है। ओके उसके ऊपर भी समय समय पर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि भी इस प्रकार की कार्यप्रणाली है तो है क्यों। उसको भी जो है विद कोर्ट डिसमिस किया गया था, उस पिटीशन को भी। तो अब कंटेम्प्ट जो है अपने आप में एक बहुत एक कानून इस प्रकार का जो है अंग्रेजों के समय से जो चलता आ रहा है उसका जो मुख्य पर्पस यही था कि आम जनता या लगा लीजिए अधिकारी लगा लीजिए या सरकार लगा लीजिए, उसको ये एहसास होना चाहिए कि जुडिशरी सुप्रीम है और आप कभी भी किसी भी जगह पर न्यायपालिका के बारे में यदि कोई
गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अथवा उनके बातों को, उनके किए हुए फैसलों को मानने से इनकार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास में या किसी भी कोर्ट के पास में एक अधिकार है जी, कि आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं मैं और आपको उनके यहाँ सम्मान के पर लिए भी। थोड़ा, मैं थोड़ा जी सा यहाँ पर टोकना चाहूँगा आपको। जी ढोल साहब, देखिए हमारे जो पुलिस तंत्र है उसमें कितनी खामियां हैं। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि 1800 सदी का जो कानून है अंग्रेजों के टाइम का वो लागू है, उसके बाद उसके उसमें कानून में पुलिस सुधार के कानून बनाने के लिए नई कई कमेटियां बनाई गई, लेकिन वो कमेटियों की सिफारिशें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आपने अभी कहा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी कानून है ये अंग्रेजों के टाइम से, जैसे ऐसी बातें हैं, तो क्या आपसे मैं एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी के रूप में पूछना चाहूँगा कि इन जैसे पुलिस की मैंने बात की है उदाहरण के तौर पे, क्या ऐसी चीज़ों में ताकि इनको जो है रैशनलाइज किया जाए इन चीज़ों को, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल है। जी इसमें देखिए, कानून कोई भी हो जी उसको अंतिम नहीं माना जा सकता। जी कानून जी भी कोई भी होता है, वो समय के अनुसार बदलते रहे हैं। आपको पता है, जी आज से 100 साल पहले जो कानून थे आज नहीं है। ओके आज जो कानून है ये आवश्यक नहीं है कि 100 साल के बाद में आपको दिखे। जी कभी तो ऐसा समय भी आता था जहाँ पर आपको पब्लिक के अंदर कपड़े कैसे पहनने हैं उस चीज़ के ऊपर भी रोक होती थी। जी जी आज आपके ऊपर ये रोक नहीं है। तो जी तरह तरह के कानून है, चाहे लैंड एक्विजिशन का वो भी बदला है, हमारा जी क्रिमिनल कोड भी बदला है, नए ऑफेंस आ गए। क्रिमिनल कोड के अंदर हम देखें, भारत का कानून कब से है, जी 1860 में बनाया गया था हमारा जो जी पिनल कोड है भारत का। जी तो 1860 से अब तक क्या नए तरह के ऑफेंस नहीं आए? ना तो उस टाइम पर कंप्यूटर थे, ना उस समय पर रेडियो थे, ना उस समय पर टीवी थे। ये सभी ऑफेंस बाद में आए, तो वो बदले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे लेकर के भी आती रहेंगी। मेरा मानना है कि इन चीज़ों को भी डिबेट भी होनी चाहिए, जी पब्लिक के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ बदलाव की गुंजाइश है उसे किया जाना ये चाहिए। आपके बड़ी तारीफ की बात है कि आपने बड़ी बेबाकी से ये बात कही है। मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को थोड़ा सा अपडेट और करना चाहता हूँ कि ये क्या ये कब हुआ था, ये फैसला कब हुआ। ये एक्चुअली फैसला जो है पिछली 14 अगस्त को दिया गया था, और 19 अगस्त को जो प्रशांत भूषण है उन्होंने प्रार्थना की थी कोर्ट से कि उनकी सज़ा को रोका जाए जब तक उनका जो रिव्यू पटिशन है वो फाइल नहीं हो जाता। तो उन्होंने ये जो है कहा था कि उनके जो ट्वीट थे वो न्यायपालिका की रचनात्मक आलोचना भर थे, ये उन्होंने अपने पक्ष में कहा था। 14 अगस्त की जो जजमेंट थी उस पर सिविल सोसाइटी के 3,000 न्यायविदों सहित समाज के विद्वज्जनों ने, पत्रकारों ने, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों ने, और जैसे मैंने पहले कहा बार एसोसिएशन के 1800 सदस्यों तक ने इस सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि मानवाधिकार के और ओपोजिशन के लीडर भी इसमें शामिल थे, उन सभी ने कहा था कि इसमें लीनियंट व्यू लिया जाना चाहिए और उनको ये जो है इसको इग्नोर करना चाहिए, सजा कोई देनी नहीं चाहिए, और या जैसे आपने कहा कि उसको थोड़ा वार्निंग देके रोक देंगे। मैं यहाँ पे एक कोट करूँगा पहले, आप भी एक अधिकारी हैं, मैं एक हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको कोट करके आपसे सवाल करना चाहूँगा। के वेणुगोपाल वो कोर्ट में हाजिर थे जब पहले 14 को फैसला सुनाया गया, उसके बाद की बात है, ये गत मंगलवार की बात है। उन्होंने ये कहा कि प्रशांत भूषण जब के हालांकि वेणुगोपाल का कोई लेना देना, वेणुगोपाल वैसे बैठे थे वहाँ पे, इनके वकील तो राजीव धवन थे, लेकिन वेणुगोपाल से जजेज ने पूछ लिया कि वेणुगोपाल जी आपकी क्या, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो एक क्या कहते हैं कि हाँ बहन मुझे मार जैसी बात मैं तो कह सकता हूँ इसको। वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में उनको केवल चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी दलील दी थी कि इससे पूर्व कई सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी जो हैं वो हायर ज्यूडिशरी के बारे में करप्शन के मुद्दे हैं जो वो ऐसे मुद्दे उठा चुके हैं, ये दलील उन्होंने दी थी। तो ऐसे में जब एक इतना जिम्मेवार आदमी और जो कि एक तरह से भारत सरकार का जो है वो पक्षधर एक ऑफिसर है लॉ का, अगर वो ऐसी बात कहता है तो आपका उसके बारे में, उस संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट की जो कार्य प्रणाली चल रही चलती है पिछले काफ़ी लंबे अरसे से,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे नीचे जुडिशरी जिला स्तर तक हो या हाई कोर्ट तक हो, उसमें बहुत से बार ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं जिनको मैं पर्टिकुलर मुद्दों को टच नहीं करूँगा, हालांकि इट कैन बी ए लॉन्ग डिबेट आल्सो। तो आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे मेरा पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि 1800 सदी का पुलिस का कानून, तो उस तरह से क्या ये आपको लगता नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं जुडिशरी की कार्य जो प्रणाली है उसमें सुधार की गुंजाइश तो बनती है। देखिए, निश्चित रूप से बनती है, बहुत जगह पर बनती है। यदि आप जी ध्यान रखें तो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजेज ने एक समय था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, जी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जो उनको कथित तौर पर गड़बड़ियां दिखी ओहो उनको पॉइंट आउट करने का काम किया था पब्लिक के अंदर। ओहो यदि आप इसको अवमानना कहेंगे प्रशांत भूषण जी की ट्वीट को, तो वो कहाँ थी, वो क्या अवमानना नहीं थी, या वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेज ने कहा इसलिए वो अवमानना के दायरे से बाहर माना जा सकता है, जी ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मार्कंडेय कट जो है अक्सर बोलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट से हाँ रिटायर हुए हैं, वो तो ट्वीट भी करेंगे, फेसबुक के ऊपर भी लिखेंगे, मतलब हर माध्यम से उन्होंने हर जगह पर ये कहने का प्रयास किया है कि सुप्रीम कोर्ट में की जो या फिर हायर जुडिशरी है उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है। अब कानून बनाया जाता है, कानून को माने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उसको खारिज कर दिया, जो जी जुडिशियल जी उसका जो आपको पता है, आपको ध्यान जी है जी जी पीछे फैसला आया था जो, हाँ तो मैं कोलेजियम के मामला है जो कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होती है जजेस की हायर जुडिशरी के अंदर, उसको भी क्वेश्चन किया गया समय समय के ऊपर कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसके अंदर पारदर्शिता ना हो। जी अब आप देखिए कि एक तरफ तो इस प्रकार के जजमेंट्स आते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि सूचना का अधिकार सर्वोपरि है और आम आदमी को सूचना देनी चाहिए सरकार की जितने भी कार्य हैं उनकी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट से सूचना नहीं मांगी जा सकती सूचना के अधिकार में। तो कहीं ना कहीं देखिए एक रवैया इस प्रकार का सामने आता है जी जिसमें आप अपने आप को जो जवाबदेह नहीं बनाना चाहते हो। जवाबदेही लोकतंत्र में केवल और केवल जनता सुप्रीम होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी पब्लिक से ऊपर नहीं हो सकता है। तो सभी इंस्टीट्यूशन चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, हमारे जी तीन लोकतंत्र के स्तंभ, जी सभी के सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं उनकी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्तंभ हमेशा जवाब दे रहे और एक स्तंभ हमेशा जवाबदेही से बाहर रहे। तो इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है बस। जी जैसे कि अभी ढुल साहब बता रहे हैं कि इसको एक जो है कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म ही कहना चाहिए, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो तो इसके पक्ष में है कि कुछ ना कुछ जो है संशोधन जो है इन बातों में होना जरूरी है। इसके साथ ही फिर मैं एक बार अपने दर्शकों को आगाह करवाना चाहता हूँ इस केस के बारे में, क्योंकि आज फैसला तो आ चुका, लोग आगे की बातें सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे प्रशांत भूषण का पक्ष के उनके जो वकील थे उन्होंने जो अंतिम जो बहस और सजा का मामला जब चल पड़ा था उस स्टेज पे राजीव धवन ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। ये गत मंगलवार की बात है। वो धवन ने अपने कहा कि पहले ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा कि इसका अभिप्राय ये कतई नहीं था कि प्रशांत भूषण सर्वोच्च अदालत को निकम्मा ठहरा रहे हो, बल्कि उनकी टिप्पणी तो केसों की प्राथमिकताएं तय करने से संबंधित था। ये उन्होंने एक तो जो लीगल नुक्ता उसमें डाला। राजीव धवन ने यह तर्क भी दिया कि अगर उनके वक्तव्य को संपूर्ण संदर्भ में पढ़ा जाए तो वक्तव्य में कहा गया है कि वह न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करते हैं, परंतु 4 न्यायाधीशों के बारे में उनका मत क्रिटिकल, केवल क्रिटिकल था। क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल में काफी अंतर माना जा सकता है। धवन ने यह भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कड़ी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट का ही हनन या पतन या उसकी साख को जो है बट्टा लग सकता है। उन्होंने कहा था कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू मेक रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म। धवन ने स्पष्ट किया था कि टॉप कोर्ट का 20 अगस्त का यह आदेश कि भूषण अनकंडीशनल अपोलॉजी दें, यह तो कोर्शन जैसा है, दबाव बनाने जैसा हम कहते हैं वो है। तो उन्होंने कहा अंत में कि माई लॉर्ड यू कैन नॉट क्वेश्चन ही स्टेटमेंट। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भूषण की हियरिंग एडजर्न करने की रिक्वेस्ट और केस अन्य बेंच को देने की प्रार्थना भी है वो भी रद्द कर दी थी। ये आपकी जानकारी के लिए। इसके साथ ही फिर हम चलते हैं ढुल साहब के पास। ढुल साहब, ये जो प्रशांत भूषण ने जो वक्तव्य दिए वहीं पे ख़त्म नहीं बात हो जाती है, ये आज का वर्डिक्ट होने के पहले
जब उनको अभी दोषी करार दी, उसके बाद भी वो बोलते रहे हैं, प्रेस में भी जाते रहे हैं, और जिस तरह आज उसमें उन्होंने टिप्पणी भी की है कि ये फिर भी बोलते रहे हैं, ये टिप्पणी भी उन्होंने अपने फैसले में की है। लेकिन उनके अलावा उनके जो बड़े नज़दीकी साथी रहे हैं, इवन उनके पिता श्री शांति भूषण, या ये जो आम आदमी पार्टी के बहुत सक्रिय करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जो जिन अन्ना हजारे के साथ जुड़े रहे, बड़े समाज के भी माने जाते हैं, जिनकी अपनी एक पार्टी भी है, राजेंद्र धवन। राजेंद्र धवन ने एक बार नहीं, अपने इंटरव्यू में कई बार कहा कि अगर प्रशांत भूषण इस बात के लिए दोषी हैं और उन्होंने सजा सुना जीते हैं, तो मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा कि वो मैं भी दोषी हूं, मेरे को भी वो सजा दी जाए। ना केवल राजेंद्र यादव बल्कि और भी बहुत से साथियों ने ऐसी बात कही कि हम भी ऐसा कहते हैं। जब उन्होंने ऐसी बात कही थी प्रशांत भूषण ने, और उसको ही तोते की तरह दूसरे लोग भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो क्या अब कोर्ट का क्या कर्तव्य बनता है, क्या अधिकार है, क्या फर्ज है कि वो उनको भी अब दबोचेगी या कि उनको ऐसे छोड़ देगी? देखिए, मैं आपको दोबारा रिपीट वही कर रहा हूँ कि जुडिशरी एज अ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में सुप्रीम होती है जुडिशरी जी, लेकिन जुडिशरी से भी सुप्रीम है जनता जी जी, और जनता के लिए जवाबदेही जो है सभी इंस्टीट्यूशंस की है पूरी जी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात माननी चाहिए और माननी पड़ेगी भी कि कहीं ना कहीं आप हमारे सिस्टम के अंदर एक पारदर्शिता आनी चाहिए, ताकि आम जनता जो है, जो कि हमारा जनता जनार्दन है, उसको ये एहसास हो कि हम बिल्कुल, क्योंकि भगवान की तरह माना जाता है जजेस को, तो हम बिल्कुल सही हाथों में है, ये देश बिल्कुल सही हाथों में चल रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरह की चीजें आती है तो कहीं ना कहीं जनता की जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज होती है। आपको ध्यान होगा कि प्रशांत भूषण जी ने ये पहली बार तो किया नहीं, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट भी फाइल किया था ये कहते हुए कि कुछ पूर्व चीफ जस्टिस और वर्तमान जजेस भी करप्ट भी है, यहाँ तक भी गए थे। हाँ। उन्होंने बकायदा रिटर्न एफिडेविट फाइल किया था। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार किया है, और ऐसा भी नहीं मैं मान सकता कि वो आखिरी बार कर रहे हैं। हालांकि हमारी डिबेट लंबी हो जाएगी। हाँ। लेकिन आपने तो जैसे मक्खियों का छत्ता को हाथ लगा दिया है, तो उससे जो वो बात कही गई थी, वो प्रशांत भूषण तो यहाँ तक कहते हैं कि लो उसका भी संज्ञान लो, तो उसका संज्ञान जो है उस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अब संज्ञान नहीं लेना उसका? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही मैं आपको तो मैं इससे बात नहीं पट रही, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात नहीं पटवा रही इस बात में। एज ए रिस्पॉन्सिबल लॉ ऑफिसर जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं सरकार को भी रिप्रेजेंट करता हूँ कोर्ट के अंदर, मेरा मानना है कि हम सबको एक इतनी एक इस प्रकार की पारदर्शिता रखनी चाहिए इन अवर पब्लिक कंडक्ट कि हमको जो है जनता इस बात में कभी भी किसी भी जगह प्रश्न चिन्ह न उठाए कि जब यह बोला जा रहा था तो आपने अपनी बातों को स्पष्ट क्यों नहीं किया। तो ये जो चीज है, स्पष्ट जो चीज है, वो करना बहुत आवश्यक है, उससे आप भाग नहीं सकते हो। जस्टिस के कर्नन के साथ में क्या हुआ था? जस्टिस के कर्नन को तो बाकायदा आपको पता है कि उनको तो अरेस्ट करवा के अंदर डाल दिया गया था हाईकोर्ट के जज के। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी घटनाएं हुई है, और ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो आए नहीं है। ऐसा भी समय आया है जिस समय पर करप्शन के चार्जेस में इम्पीचमेंट तक की है पार्लियामेंट ने जजेस की, हालांकि वो बहुत एक या दो इक्का दुक्का मामले आए हैं विदाउट मेंशनिंग एनीवन। मैं ये मानता हूं कि हमको क्रिटिसिज्म के लिए आने वाले समय में तैयार रहना चाहिए, और हमको भी, मुझे भी तैयार रहना चाहिए, तो मेरे साथ में तो मैं मानता हूँ न्यायपालिका को भी तैयार रहना चाहिए कि आने वाले समय में हमको और भी तीखे सवालों का सामना लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज का एक पहलू कभी नहीं हो सकता, सिक्के का दूसरा पहलू अवश्य होगा। जी जी, हम जैसे कि पहले से हम बताते आ रहे हैं कि लोगों को हम चाहते हैं कि हर चीज़ का अवेयर ऑफ होने चाहिए, ना सिर्फ हमारी डिबेट के लिए। तो इसकी जो बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा जाएँ, तो 25 अगस्त को यानी कि फैसला तो पहले सुना दिया गया था, लेकिन उसके बाद अड़चन हुई दो बार जो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनको समय दिया गया था। तो वो समय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या कहा था 25 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट सेड इट वाज पेनफुल टू रीड एडवोकेट प्रशांत भूषण स्टेटमेंट एंड जस्टिफिकेशन इन कनेक्शन विद द कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट केस अगेंस्ट हिम फॉर हिज ट्वीट्स ऑन द जुडिशरी। जस्टिस अरुण मिश्रा ऑब्जर्व्ड दिस इज नॉट द वे ए सीनियर लॉयर लाइक भूषण ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड बिहेव लाइक दिस। इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण को गत 14 अगस्त को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था, और गत मंगलवार
ने भूषण जब प्रशांत भूषण ने उनके अधिवक्ता को अपने वक्तव्य पर विचार करने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया था, उसके बावजूद प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, मैं अगर इसको वापस लेता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी आत्मा के साथ एक तरह से अन्याय हुआ, उसकी भी अवमानना होगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा, ये कोर्ट की भी एक सही जुडिशरी की भी अवमानना होगी, ये उन्होंने कहा था। इसके बीच जस्टिस मिश्रा ने एक और बात कही थी, उन्होंने ये भी कहा कि हम बाजीब आलोचना का तो स्वागत करते हैं, लेकिन हम आलोचना का प्रतिउत्तर देने के लिए प्रेस में नहीं जा सकते। यह एथिक सिद्धांत की यानी कि बात है, इसे अपनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गोइंग टू प्रेस मेकिंग ए ट्वीट बाय अ लायर ऑफ स्टैंडिंग ऑफ भूषण कैरीज सम वेट, इट अफेक्ट्स द पब्लिक। उन्होंने काफ़ी संतुलित बात करने की भी कोशिश की इसके साथ ही, और उनको पैसिफाई कोशिश की करने की, ताकि इस मामले को इसी तरह से निपटाया जा सके। तो ये तो था अपडेट आपको करने के लिए। मैं अंत में आखिर सवाल है मेरा, हमारे देश में तो प्रेमचंद की कहानियाँ, पंच परमेश्वर, जो दो लोग आपस में बहुत झगड़ते थे आपस में, एक को जब सरपंच बना उधर बैठा दिया गया कुर्सी पर, तो उसने वो फैसला दिया जो उसके पक्ष में दूसरे के। कहने का मतलब यह है कि हमारी ऐसी संस्कृति रही है, हमारा ऐसे ऐसी विरासत रही है, आज के हालात में जो सेटअप है कोर्ट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात है, उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में भी आप समझते हैं कि कुछ बदलाव हो, ताकि हमारी संस्कृति के पंच परमेश्वरों का जिस जो साख है वो उसी तरह बनी रहे। निश्चित तौर पे मैं तो बिल्कुल इस मामले में पूरी तरह से इस मामले के पक्ष में हूँ कि जो कोलाजियम सिस्टम है सुप्रीम, जो हायर जुडिशरी के सिलेक्शन का सिस्टम है, लोअर जुडिशरी इज फाइन, क्योंकि वहाँ पर उनका एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, वो बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हायर जुडिशरी का जो आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो कोलाजियम के थ्रू जाता है, हाईकोर्ट के जजेस की कोलाजियम, सुप्रीम कोर्ट का कोलाजियम, फिर लॉ मिनिस्ट्री से होता है, वो वहाँ तक जाता है। उसमें कहीं भी किसी भी लेवल पर पारदर्शिता नहीं देखी जाती। अक्सर आप ये देखेंगे जो सिटिंग जजेस हैं, ऐसे ऐसे डेटास भी हैं जो सीनियर लॉयर्स लेकर के आए हैं पब्लिक डोमेन में, जहाँ पर यहाँ तक भी बात की गई है कि हायर जुडिशरी के लगभग 60-70% लोग जो जजेस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जज के रिलेटिव या उनके रिश्तेदार या उनके जानकार जो है दिखते हैं। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यदि देखेंगे बहुत से ऐसे जजेस हैं जो कहीं ना कहीं पहले किसी जज के रिलेटिव रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये मानिए कि सिलेक्शन में जो है, अपॉइंटमेंट में जो फेयरनेस जो पब्लिक जो चाहती है वो आपको नहीं मिलती है, जो कि होनी चाहिए। तो ऐसे में कोलाजियम सिस्टम को तो निश्चित रूप से बदला जाना चाहिए, इसमें कतई कोई दराय नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है, संविधान में नहीं प्रोवाइड किया गया। यदि आपको मैं इसके बैकग्राउंड बता दूँ, जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो संविधान के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से डिवाइज किया जज अपॉइंटमेंट केस में, 90 के दशक के अंदर उसको डिवाइज किया गया था, और वो लगातार उससे यूं का यूं कंटिन्यू चल रहा है। रविंद्र ढुल जी, आप मेरे एक छोटा सा टेलीफोन करने पर यहाँ पधारे, अपनी बड़ी व्यस्तताओं को छोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र ढुल, जो एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के जिम्मेदार पद पर विराजमान है, लेकिन उनकी जो बेबाक राय प्रशांत भूषण से कहीं कम नहीं बल्कि ज़्यादा मजबूत लगती है। ऐसी बेबाक राय अगर हमारे सारे समाज में न्यायाधीशों की भी हो, वकीलों की भी हो, तो हमारे लोकतंत्र का, न्यायपालिका का जो स्तंभ है, ये सिर्फ न्यायाधीशों पर नहीं होता, इसमें सभी वकील सारे इनका जो समाज है वो जुड़ा होता है। अगर ऐसा हो, बेबाक राय हो, तो निश्चित रूप में हमारा लोकतंत्र है उसको कोई खतरा नहीं होगा। इसी के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।